शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत सभी स्कूलों में लिखाई पढ़ाई से लेकर के खेल मनोरंजन तक का व्यवस्था किया गया है, परंतु प्राथमिक शाला डाबर ढाना विकासखंड घोरा डोंगरी जिला बैतूल मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह स्कूल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हमारे स्कूल की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, पूरा टूटा हुआ है, दीवार पूरी उठी हुई है और बच्चों को बैठने में बहुत समस्या होती है। कहीं से फर्श टूटा तो आधे नीचे आते, ऊपर परेशानी होती है, पढ़ाई करने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में पूरा स्कूल भी स्कूल की साफ सफाई भी ढंग से नहीं हो पाती है। समस्या तो बहुत ज़्यादा है, अभी स्कूल में शौचालय है, ये स्कूल में शौचालय नहीं है, क्योंकि बच्चों की दिक्कत होती है, रोड पार करके उस पार जाना पड़ता है जंगल में, कभी पंजाब घूमते पीछे भी बैठते हैं, स्कूल के पीछे भी बैठ सकते हैं, पर यहाँ पे शौचालय की कोई भी गुंजाइश नहीं है। छोटे छोटे बच्चे रोड पार करने में स्कूल को डर लगता है आने जाने में, कई बच्चों का तो कभी कांच गिर जाता है, कभी कांटा गिर जाता है। हम सब समुदाय के लोगों ने इस समस्या को समझा और इस समस्या का समाधान प्रस्ताव लिखा और बैतूल कलेक्टर कम से कम हम 30 से 35 लोग इस समस्या को लेकर गए। इसमें कलेक्टर महोदय जी से बातें हुआ, प्राथमिक शाला डाबरडाना में स्कूल की मरम्मत करवाना है एवं शौचालय भी नहीं है, ये दो मुद्दे एक साथ रखे थे। ये मध्यम भोजन का है, मध्यम भोजन डबल वही मैंने दिया, ये मध्यम भोजन का हमने ये दिया। ये आप उधर से चले जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। जिसका एक डेढ़ महीने के बाद में इंजीनियर हमारे प्राथमिक शाला डाबर ढाना में आया और उन्होंने उसका बुरी दशा देखा एवं उसमें उन्होंने अपना एस्टीमेट लगाया और हमने उनसे बात भी किए तो एस्टीमेट लगाने के 15 दिन के बाद में आकर के यहाँ मरामत का काम चालू हुआ और इसके साथ साथ शौचालय का भी निर्माण हो चुका है। देखिए, जिस तरह से मैं बताना चाहती हूँ, पहले जब मैं यहाँ आई थी उस समय शौचालय नहीं था, बच्चे रोड पार करके शौचालय जाते थे। इस प्रकार श्री मोहनलाल सर जो कि हमारा कैमरा मैन है, वो यहाँ पे आके कैमरा बनाया वीडियो, उसके उपरांत अभी हमारे स्कूल में शौचालय बन चुका है, जिसके कारण बच्चे आप बाहर ना जाते हुए शौचालय में बाथरूम करने जाते हैं। अच्छा मैडम, शौचालय के अंतराल जो आपके स्कूल में मरम्मत होना था वो हो चुका है या नहीं हुआ है? जी, स्कूल के अलावा मतलब शौचालय भी बन चुका है और स्कूल जो मरम्मत थी वो भी कम्प्लीट हो चुकी है पूरी तरह से, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सर, बाथरूम नहीं था तो जंगल में जाना पड़ा था, बाथरूम में है तो अब कहीं नहीं जाना। श्री मोहन सिलुकर आज संस्था के माध्यम से ही वीडियो वॉलंटियर के रूप में चयन किए गए हैं। जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उस क्षेत्र में ग्राम डाबर ढाना में मोहन सिलुकर ने एक स्कूल की चरमर व्यवस्था का अच्छे से मूल्यांकन किया, वहाँ शौचालय भी नहीं था, उस स्थिति को देखा और इस मुद्दे को हमारे बीच में रखा। हमने अपनी योग्यता अनुसार उनको मार्गदर्शन दिया गांव के लोगों के साथ में बैठ के, क्योंकि वर्तमान में बच्चों की जो सारी शासकीय योजना है उनकी सही सलामत और सुविधा मिलना चाहिए, इस हिसाब से हम लोगों ने बात करके उस मुद्दे को ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक मोहन सिलुकर को सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप आज की स्थिति में स्कूल में शौचालय और जो व्यवस्था थी वो अच्छी हो चुकी है और बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं, इसलिए हम मोहन सिलुकर को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस तरीके से वो गांव-गांव में अपने योग्यता और अपने पद का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और मुद्दे को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे समुदाय एवं समुदाय के लोगों के साथ में संघर्ष करते हुए हमें इतना गर्व आ रहा है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो उसे हम साधारण से निपटा सकते हैं और ये हमने संभावित कर करके दिखा दिया है, इस समस्या को बदलाव में ला दिया है। मैं मोहनलाल, इंडिया 100 के लिए।